गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन OZI वीडियो क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सी लैंग्वेज फॉर ओ लेवल। द चैप्टर नंबर इज लिंक्ड लिस्ट, मीन्स सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू इंसर्ट लास्ट नोड इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक on the board, how to insert a node in the last by the traversing, because in the single linked list we cannot reverse. So that is why we have to first traverse every one node that have in the singly linked list, and then after we insert a new node at the last of the single linked list। स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिंगल लिंक्ड लिस्ट होता है, अगर उसमें हम अंतिम नोड ऐड करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि उसमें जितनी भी नोड हमारे पास होती हैं उन पे सब पे हमें पहले ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है। यानी कि जब हमें नोड इंसर्ट करनी है तो उन्हें वन बाई नोड से शुरुआत से लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। और उसके बाद में जब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, वहाँ पर हम नोड को इंसर्ट करते हैं। यही चीज़ हमें कोडिंग में कैसे मेंशन करनी है, सिर्फ हमें ये चीज़ थोड़ा फिगर के माध्यम से हम समझेंगे, और उसके बाद में हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरीके से ट्रैवर्सिंग करते हुए हमने अपनी लास्ट नोड को सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट किया है। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से तीन नोड हैं, इनके हम कुछ एड्रेस मान लेते हैं, जैसे कि इसका एड्रेस है 10, इसका है 20 और इसका है 30। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, इसको स्टार्ट भी हम लोग प्रोग्राम में लिख लेते हैं, हेड भी लिख लेते हैं, अपनी जैसी सुविधा होती है वैसा लिख लेते हैं। तो अब क्या है, इसमें हम डेटा मान लेते हैं, इसमें डेटा मान लीजिए हमारा 1 है, इसमें डेटा हमारा 2 है और इसमें डेटा हमारा 3 है। ये हमारा इन्फो पार्ट है, मैं आई फॉर इन्फो और नेक्स्ट फॉर लिंक के लिए लिखूँगा, ये आपको याद रखना है। ये हमारा इन्फो हो गया, ये हमारा नेक्स्ट हो गया, ये इन्फो हो गया और ये हमारा नेक्स्ट हो गया। और जो हमारा ये स्टार्ट है, ये हमारा एक पॉइंटर टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल होता है, ये और ये ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर किया जाता है, जिससे कि हम इसको प्रोग्राम के हर मॉड्यूल में एक्सेस कर सकें। ये चीज़ हम आपको जो सिंगली लिंक लिस्ट का पहला प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नोड को अपने पास रखेगा, यानी फर्स्ट नोड का पास रखने का अर्थ सीधा ये है कि ये फर्स्ट नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो हमारा 10 है, और इसी प्रकार से हर नोड अपनी आगे वाली नोड का एड्रेस रखेगी, कहाँ पर, नेक्स्ट में। तो अगली नोड का एड्रेस जो है वो 20 है, उसके बाद में उससे अगली जो नोड है हमारी, उसका जो एड्रेस है वो 30 है, और सबसे लास्ट में क्या रहता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं \0, यानी कि जिसको हम सरल भाषा में नल बोलते हैं। अब है क्या, हम चाहते हैं कि इसके लास्ट में, यानी कि यहाँ पर एक नोड इंसर्ट हो जाए, ये वाली नोड, ये नोड इंसर्ट हो जाए, जिसमें भी दो पार्ट होंगे, एक होगा इन्फो और एक होगा हमारा नेक्स्ट, जो कि एड्रेस को इंडिकेट करेगा। और
ये लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो इसमें ज़ीरो भी रहेगा, यानी कि नल वैल्यू भी ले रहेगी। बट अब ये कोडिंग के माध्यम से कैसे करना है कि ये जो हमारा जो लास्ट नोट है, ये जो हम चाहते हैं, इसको हम नाम भी दिए दे रहे हैं आपकी सरलता के लिए, न्यू नोड दे दो, या न्यू नोड की जगह पे और बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से एंड नोड, तो हमें ज़्यादा आसान लगेगा। हम एंड नोड जो है सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका एड्रेस भी हम मान लेते हैं सिंपली 40 है। इसमें हम डेटा भी मान लेते हैं, डेटा हमारा 4 है। अब हम ये नोड जो है अपनी सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं। वैसे हम आपको सिंपली अगर फिगर के माध्यम से दिखाएं तो क्या होगा, ऐसे हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर स्क्रीन, देन वी हैव टू रिटेन कोड। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पर हमें कोड से ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिंपली फिगर से समझना बहुत आसान लगता है। चलिए अब हम थोड़ा इसके उसकी बात कर लेते हैं कोडिंग की। इसमें कोडिंग की क्या लाइन बनेगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हम जब भी लिंक लिस्ट की बात करते हैं, खासकर सिंगली, तो हम इसमें स्टार्ट हो या हेड हो, जिसको भी हम इनिशियल नाम दे देते हैं, उसको कभी छेड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं छेड़ते, इसका रीज़न ये है कि हमें उसी पार्ट से एड्रेस लेके सब पे ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है बार बार, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग हो उसके आधार पर। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक स्ट्रक्चर टाइप का दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिससे हमें स्टार्ट या जो भी हेड माना है हमने, उससे हमें एड्रेस लेना पड़ेगा फर्स्ट नोड का, और फिर हमें उसके माध्यम से ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर टाइप की एक नोड ले लेते हैं जिसका नाम है टेम्प। अब ये टेम्प भी इसी एड्रेस को इंडिकेट करेगा जिसको ये आपका हेड या स्टार्ट इंडिकेट कर रहा था। ठीक इसी प्रकार से ये भी हम यहाँ पर साइन बना देते हैं आपके इजीनेस के लिए। ये भी एक पॉइंटर टाइप की नोड है, जो किसी पॉइंटर टाइप का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एक ही फर्स्ट वाली नोड के एड्रेस को इंडिकेट करेगा। ठीक इसी प्रकार से अब क्या करना है, हमें इसी नोड के माध्यम से क्या करना है, हमें ट्रेवर्सिंग करनी है। बट ठीक उससे पहले हमें क्या करना है, न्यू नोड जो हमने बनाई है उसके लिए हमें थोड़ी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कोडिंग हमारी कैसे रहेगी। जैसे कि हमें न्यू नोड बनानी है, तो न्यू नोड के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने जो नोड का नाम लिया है, स्ट्रक्चर टाइप की नोड लिया, उसका नाम लिया हमने इंड नोड। तो हम ले लेते हैं इंड नोड इक्वल टू यहाँ पर इंट पॉइंटर, उसके बाद मैलॉक फंक्शन के बाद में आगे बढ़ेंगे साइज ऑफ और इंट, ये हो गया हमारा। अब हम चेक कराएंगे, यहीं पर एक लाइन में और आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, जैसे कि If, ठीक इससे पहले हम इसमें एड्रेस असाइन किए दे रहे हैं, टेम्प इफ इंड नोड इज नॉट इक्वल टू नल तो क्या हो। ऐसे में यहाँ पर हमें कोडिंग करने के लिए ये मौका मिले कि इंड नोड के डेटा पड़ जाए जो कि हम जो न्यू नोड नाम का फंक्शन का नाम होगा हमारा इंसर्ट लास्ट नोड एट द सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड इंसर्ट करना, ये हमारे फंक्शन का नाम होगा, उसमें हम डेटा लेके आएंगे, ये हम आपको फंक्शन में भी दिखाएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम क्या होगा, डेटा में डेटा पार्ट पर डेटा इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में आगे की बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड नोड के
नेक्स्ट जो कि हमारा एटेस पार्ट होगा उस पर हम इस तरीके से नल डाल देंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमने डाल दिया, अब हम क्या करते हैं टेम्प को दे देते हैं, हम यहाँ पर इसको मान रहे हैं स्टार्ट, स्टार्ट के पास जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो इसको मिल जाए। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में आगे हम इसी में आगे और बढ़ते हैं। प्रिंट यहाँ पर बोर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें लिखना है वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, और ये कंडीशन हमें ध्यान में रखते हुए ही बोर्ड के सारे मटेरियल को जो आगे समझाया है ये समझना है और माइंड में रखना है, यानी कि वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल तो क्या हो, जो हम चाहें वो हो, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट मिल जाए, और इसके आगे वाली लाइन में क्या होना चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट पर न्यू नोड, जो हमने एक नई नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट हो जाए, और इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक बंद हो जाए। इतनी सी कोडिंग हमें करनी है, जिससे क्या होगा, हमारी ये वाली जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये आपको कोड समझ में आया होगा। अब हम इसको थोड़ा और आगे और सिंपल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है न्यू नोड के डेटा पार्ट को डेटा मिल जाए, ये तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि हर नोड में डेटा ऐसे ही इंसर्ट किया जाता है। साथ ही साथ न्यू नोड के नेक्स्ट पे नल डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर नोड के एड्रेस पार्ट में नल रहना ज़रूरी होता है, और नल जो हमारे पास जो लिंक पार्ट है उसमें अभी हमारे पास इन्फो यानी कि सूचना रखने के लिए है नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर हमारे पास सूचना होती है तो हम वहाँ पर सूचना रखेंगे, ये होता है उसका मतलब। उसके बाद में हमने क्या किया, टेम्प स्टार्ट जो था हमारी फर्स्ट नोड के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा था, देखें यहाँ पे 10 है हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस, वो हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस टेम्प को दे दिया। टेम्प को देने के बाद में हमने फिर आगे कंडीशन क्या लगाई है कि वाइल जब तक कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक कि टेम्प जो है वो नल के बराबर ना हो, नल के बराबर टेम्प हमारा ना हो तो क्या हो, टेम्प को टेम्प के ही नेक्स्ट का एड्रेस मिल जाए, यानी कि वो इसमें असाइन हो जाए। कुछ ऐसे देख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास हमने ये अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया था टेम्प इक्वल टू नेक्स्ट, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट ये लिखा था। अब जो भी इधर वेरिएबल होता है उसमें हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ये वेरिएबल हमारा जो है वो कैसा है, एड्रेस टाइप का है, तो इसलिए टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, एड्रेस होगा सिंपली। तो टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प अभी किस नोड को इंडिकेट कर रहा है, इस वाले नोड को इंडिकेट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा 20, तो ये 20 जो है किसको मिल जाएगा, टेम्प का, मैं इसको इंडिकेट किए दे रहा हूँ, देखो हमारे पास अभी वर्तमान में टेम्प के पास में टेम्प के नेक्स्ट पे क्या पड़ा है 20, ये पड़ा है आपका 20, ये है हमारा टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट, और ये 20 किसे मिलने वाला है, टेम्प इसे। अब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्प है वो इसको इंडिकेट करने लगा है, ठीक। उसके बाद में अब क्या होगा, जब टेम्प जाएगा, टेम्प अगली नोड जो हमारी टेम्प नोड है, अब वो ये हमारी नोड हो गई, यानी सेकंड वाली नोड को इंडिकेट करने लगा, अब वो नेक्स्ट पे इसको जोड़ने की कोशिश करेगा, बट अब आगे बढ़ेंगे, ये कंडीशन जब फॉलो हो जाएगी यानी कि न्यू नोड पे वो डालेगा, बट अभी ऐसा होने वाला नहीं है,
अब क्या होगा, न्यू नोड फिर से ये कंडीशन चेक होगी एक बार फिर से कि वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर ना हो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेम्प के ये वाला जो पार्ट है इसमें 30 पड़ा हुआ है तो नल तो है ही नहीं, खाली है ही नहीं। इसलिए अब क्या होगा कि सिंपली हमारी कंडीशन फिर से रन होगी और टेम्प का नेक्स्ट, अब की टेम्प क्या इस नोड पे क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका नेक्स्ट है ये वाला, तो इसके इसका नेक्स्ट जो होगा वो ये एड्रेस है, इसके पास कौन सा एड्रेस है, इसके पास है, मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ, 30। ये 30 किसको मिलने वाला है, ठीक किसको मिलने वाला है। अब ऐसे में क्या होगा, फिर से नई नोड जो होगी वो अगले पार्ट पे इंसर्ट हो जाएगी। अब होने वाला क्या है, अब की बार जो टेम्प का पार्ट है वो 30 और 30 के 30 का जो नेक्स्ट होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, टेम्प में नेक्स्ट पार्ट क्या है, 30, ये है 30, मैं ये लाइन यहाँ पर भी लिख देता हूँ, टेम्प का नेक्स्ट और इक्वल टू क्या है हमारा, न्यू नोड, मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ आप समझ जाना, न्यू नोड। अब क्या हुआ कि न्यू नोड अब हमारा जो है यहाँ से हम इस वाले एड्रेस को इंडिकेट कर रहे हैं और इस एड्रेस के नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट है इसका, ये इस एड्रेस के नेक्स्ट पे हम किसको डाल रहे हैं, नल को, न्यू नोड को डाल रहे हैं। अब क्या होगा कि न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा, हमने यहाँ पे 40 माना था, वो 40 एड्रेस क्या होगा, टेम्प के नेक्स्ट पर 40 एड्रेस, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सरलता के लिए, तो ये 40 एड्रेस किसको मिलने वाला है, लास्ट को, यानी कि इस वाली नोड को, जो थर्ड वाली नोड है इसको मिलने वाला है। फाइनली क्या हुआ, हमारी नोड जुड़ गई, डेटा भी पड़ गया, डेटा तो हम पहले डाल चुके थे, यहाँ पर आपको देखा है ये डेटा हम पहले डाल चुके थे और नोड हमारी है वो यहाँ पर बेटा जुड़ गई है। अब क्या हुआ, अगली बार में फिर जब चलेगा हमारा लूप, तो अब की बार टेम्प जो होगा वो हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको कर रहा है। अब टेम्प जब इसको इंडिकेट कर रहा है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कनेक्शन जुड़ चुका है लेकिन लूप फिर चलेगा, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर टेम्प आगे बढ़ेगा कि टेम्प इस पे जैसे ही बढ़ेगा तो क्या कंडीशन होगी, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन टेम्प में तो ऑलरेडी क्या आ चुका होगा, टेम्प में आ चुका होगा हमारा नल, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, नल टेम्प में ऑलरेडी हमारा नल आ चुका है और कह रहे हैं कि नल इज नॉट इक्वल टू नल, दैट इज कंडीशन फॉल्स। इस तरीके से हमारा लूप यहाँ से फॉल्स हो जाएगा और हमारा लिंक बनने के साथ साथ लास्ट नोड भी हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस फॉर्मेट वेरी वेल एंड नाउ वी आर द टाइम ऑफ गोइंग टू कंप्यूटर स्क्रीन, सो लेट्स वी गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। स्टूडेंट तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है और लास्ट फंक्शन की ही तरह, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट के जो हमने और फंक्शन आपको दिए हैं, जैसे आपको सिंगली लिंक लिस्ट शुरू में दिया था, फिर बिगिन नोड कैसे इंसर्ट करते हैं ये दिया था, ठीक उसी तरीके की कोडिंग सेम है, बस वही जो ब्लॉक हमने आपको ये बोर्ड पे भी जो समझाया था, बस वो हमें ब्लॉक पे ध्यान देना है, बाकी हमारी कोडिंग जो है लगभग पूरी सेम जाए। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है क्या, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसमें दो डेटा हैं, दो पार्ट हैं, एक है हमारा डेटा पार्ट और दूसरा नेक्स्ट है, जिसको हमने अभी बोर्ड पे भी बताया था कि नेक्स्ट को लिंक या एड्रेस पार्ट मान के चलते हैं या होता ही है ये। उसके बाद में ये एक हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया है जो कि हेड के नाम से है, मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, चाहे स्टार्ट मान लो या हेड मान लो, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है और प्रोग्राम के हर मॉड्यूल में एक्सेसिबल होता है ये। उसके बाद में हमें यहाँ पर फंक्शन लिए हैं तीन, पहला है क्रिएट लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट की क्रिएट लिस्ट बनाने के लिए, दूसरा है जब हमारा लिंक लिस्ट बनाया हो तो उसमें लास्ट में डेटा अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए एक हमने फंक्शन बनाया है जिसमें आर्गुमेंटेड किया है, इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है इन डेटा टाइप का। उसके बाद में हमने एक ट्रैवर्सिंग फंक्शन लिया है जो कि डिस्प्ले के नाम से है, तो ट्रैवर्सिंग को सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो डिस्प्ले फंक्शन होता है जो कि लिंक लिस्ट का डेटा शो करता है। आगे बात करें तो इसमें क्या है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में दो आर्गुमेंट डिक्लेयर किए हैं,
हमने वेरिएबल लिए हैं एक एन और एक डेटा। ये एन आपका जो होगा नंबर ऑफ नोट्स इनपुट कराने के लिए होगा, और डेटा जो होगा वो डेटा इंसर्ट कराने के लिए होगा। किस में? जो लास्ट में हम इंसर्ट नोट करेंगे ना उसमें डेटा इंसर्ट कराने के लिए इसका यूज़ हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें आप, सिंपली हमने स्कैनअप फंक्शन लगा रखा है नोड इंसर्ट कराने के लिए। फिर उसके बाद जस्ट बाद में हमने क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल किया है, और उसके बाद में हमने डेटा इन द लिस्ट ये मैसेज प्रिंट करा दिया है इसकी ठीक कॉलिंग के बाद में, जिससे कि यूज़र को पता लग जाए कि हमारा क्रिएट लिस्ट फंक्शन जो है वो चल चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है उसका एग्जीक्यूशन। डिस्प्ले करा दिया डेटा को कि हाँ डेटा हमारा जो है वो क्रिएट लिस्ट होने के बाद में डेटा कितना है। उसके बाद में एक मैसेज आके दिया है, एंटर डेटा टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के अंत में हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमने डेटा इंसर्ट मेन से ही कराया है। फिर इसी वेरिएबल को हमने क्रिएट लिस्ट नाम का जो सॉरी इंसर्ट नोड एट द एंड नाम का जो फंक्शन है उसमें हमने इस डेटा वेरिएबल को पास किया, और पास करने के बाद में डेटा इन द लिस्ट ये हमने मैसेज दिया है कि भैया आपका इंसर्ट नोड जो कि लास्ट में होना था वो होने के बाद में आपको मैसेज मिल गया, यानी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है। फिर डिस्प्ले फंक्शन होगा, फिर से ये सिंपली आपका डेटा जो भी लिंक्ड लिस्ट में पड़ा हुआ होगा इंसर्शन ऑफ द लास्ट नोड ये आपको दिखाएगा। उसके बाद में क्रिएट नोड फंक्शन जो है वो सिंपली वैसे ही है जैसे कि लास्ट वीडियो में था, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम देखें इंसर्ट लास्ट नोड, जो लास्ट नोड इंसर्ट फंक्शन था हमारा क्या था, इंसर्ट नोड एट द एंड ये वाला जो फंक्शन देखें, तो इसमें हमने एक न्यू नोड ले रखी है और एक टेम्प नोड ले रखी है। टेम्प नोड का जिक्र मैंने अभी बोर्ड पे भी किया था, न्यू नोड क्यों ली है, न्यू नोड और यहाँ पर जो बोर्ड पे मैंने ली थी इसी न्यू नोड का नाम इंड नोड दिया था, तो इसलिए आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, यहाँ पर हमने उसी वेरिएबल का नाम इंड न्यू नोड से दिया है। इसके लिए हमने मेमोरी एलोकेट की, उसके बाद में क्या किया चेक कराया कि मेमोरी मिली है या नहीं, अदरवाइज़ मेमोरी जैसे मिल जाती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट इसमें रन होगा और न्यू नोड के डेटा पार्ट पे डेटा पड़ जाएगा, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे आपका नल पड़ जाएगा। फाइनली टेम्प जो कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर टाइप की नोड है उसको हेड नोड के पास जो भी एड्रेस होगा वो इसमें असाइन हो जाएगा, यानी टेम्प में असाइन हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें तो इन क्या लिखा है कि वाइल में, वाइल जब टेम्प का जो नेक्स्ट हो वो नल के बराबर ना हो, तब ऐसे में क्या हो कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट मिल जाए इसका। उसके बाद में टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे क्या होगा न्यू नोड जो है टेम्प के नेक्स्ट पे पड़ जाएगी। तो ये कंडीशन जो है किस तरीके से रन हो रही है ये हमने आपको बोर्ड पे बताया था, हर बार में टेम्प जो होगा अगली वाली नोड को ट्रेवर्स करेगा न्यू नोड डालेगा, लेकिन न्यू नोड कब पड़ेगी जब हमारा लास्ट में जो पहुंच जाएगा, यानी कि लास्ट में जो सबसे वाली लास्ट नोड होगी जब उसको हमारा टेम्प इंडिकेट करेगा तो वहाँ पर हमारी लास्ट नोड जो है पड़ जाएगी, और एट लास्ट पॉइंट में जब हमारी नोड जुड़ने के साथ में दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारा टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है। लेकिन टेम्प का नेक्स्ट जो होगा वो हमारा नल के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा होगा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यानी और टेम्प में ऑलरेडी नल है तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसी कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स। इस प्रकार से क्या होगा हमारा लूप का कंप्लीशन हो जाएगा। कंप्लीशन होने के बाद में हमें मैसेज मिलेगा, क्या मिलेगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली इन द लिंक्ड लिस्ट, इस तरीके से हमें मैसेज मिल जाएगा। और इसके बाद में हमने डिस्प्ले फंक्शन की कॉलिंग कराई तो सिंपली हमें डिस्प्ले फंक्शन की कॉलिंग मिलेगी, और जो भी हमारा कंप्लीट डेटा है विद लास्ट इंसर्टेड नोड के साथ वो डेटा हमें अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। तो इसी प्रकार से और जो आपका ट्रैवर्सिंग फंक्शन बोल दो या डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन बोल दो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट फंक्शन में था, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो आइए इस फंक्शन को अब कंपाइल करते हैं कि किस तरीके से चलेगा ये कंपाइल। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, अगर नहीं होता तो इसमें कुछ एरर ज़रूर आती। इसके बाद में इसको रन कराएंगे, रन कराने पर देखें यहाँ पर क्या है,
लिखा है एंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, कितनी नोड आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 4। अब कह रहा है हमसे कि आप फर्स्ट नोड का डेटा इनपुट करें, तो मैं फर्स्ट नोड का डेटा दे देता हूँ, सेकंड का डेटा, थर्ड का डेटा एंड 4 का डेटा। अब पूछ रहा है कि एंटर डेटा टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट का आखिरी नोड में जो डेटा आप रखना चाहते हैं वो इंसर्ट करें। तो मैं डेटा दे देता हूँ, ये मैंने 111 3 टाइम ये डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखें आप क्या हुआ कि पहले जो था आप देखें 1 2 3 4 डेटा इंसर्ट किया था, और लास्ट में हमने क्या किया 111 3 टाइम 1 वाला डेटा इंसर्ट किया था, जो कि हमारा लिंक लिस्ट के लास्ट में आना चाहिए था, वो आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे इस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, या फिर वीडियो देखते हुए कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।